नमस्कार दोस्तों, एल्विश यादव की जमानत को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने और फाइनेंस करने के आरोप में गिरफ्तार किया था नोएडा पुलिस ने। शनिवार को ये गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार का दिन हो गया है। 5 दिन से एल्विश यादव जेल के अंदर है। एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इस सबके बीच परिवार की तरफ से सोमवार को जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी है। आज भी सुनवाई टल गई है और इसके पीछे जो कारण है वो है वकीलों की हड़ताल। दरअसल नोएडा में वकील हड़ताल पर है और इसी हड़ताल की वजह से एक के बाद एक 3 दिन से जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि नोएडा कोर्ट का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। लगातार लॉयर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आज एक उम्मीद थी परिवार को कि शायद 2 दिन बीत चुके हैं इस हड़ताल के, तो बुधवार को जब सुबह कोर्ट खुलेगा तो वकीलों की हड़ताल खत्म हो जाएगी और एल्विश की जमानत पर सुनवाई होगी और कुछ राहत शायद एल्विश को मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक और दिन जो है बुरी खबर के साथ आगे बढ़ रहा है एल्विश के लिए, और लगातार जिस तरह से एल्विश की मुश्किलें भी उसके साथ साथ बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो कि हरियाणा के बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध भी एल्विश यादव के साथ नोएडा पुलिस बता रही है, और इस मामले से ये दोनों लोग भी जुड़े हुए हैं। अब परिवार लगातार इंतजार कर रहा है कि कब वकीलों की हड़ताल खत्म होगी और वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद ही एल्विश की जमानत याचिका पर जो एप्लीकेशन लगाई हुई है जमानत के लिए एल्विश के परिवार ने, उस पर सुनवाई हो पाएगी और उसी के बाद साफ होगा कि क्या जिन धाराओं के तहत नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें कोर्ट जमानत एल्विश को देता है, कोई राहत एल्विश को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो अभी कहीं ना कहीं वकीलों की हड़ताल के ऊपर एल्विश यादव की जमानत की सुनवाई अब अटक गई है, और सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या कुछ रहेगा, कोर्ट के सामने क्या कुछ सबूत नोएडा पुलिस देगी, कोर्ट जब जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, क्या क्या जो सेक्शंस लगे हैं उन पर ध्यान रखते हुए जमानत की दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर फैसला अदालत ने लेना है। लेकिन आज तीसरे दिन भी जो परिवार इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार माता पिता और एल्विश के जो दूसरे परिवार के लोग हैं या चाहने वाले लोग हैं, लगातार यही इंतजार कर रहे हैं कि एल्विश जो है जल्द से जल्द जेल की सलाखों से बाहर वापस अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच लौट पाए। लेकिन जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है, दो धड़े अभी बटे हुए हैं, सोशल मीडिया की बात कर लें या तमाम दूसरी जगहों की बात कर लें, एक जो एल्विश का विरोध करते हैं वो नोएडा पुलिस की इस पूरी कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि नोएडा पुलिस ने देर से ही सही लेकिन सही कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ जो एल्विश के चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है एल्विश यादव के खिलाफ, और उसी साजिश के तहत ये पूरा खेल एल्विश के साथ किया गया। एल्विश का कोई भी इस मामले से लेना देना नहीं है, वो एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का है जिसने कि YouTube पर वीडियो बनाकर एक नेम फेम पाया और उसके बाद सलमान खान के OTT बिग बॉस में भी पहुंचा और जिसे वो जीत कर बाहर आया, और लोग इसी बात से जलते हैं और इसी वजह से साजिश रची। लगातार हम आपको एल्विश के गांव के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके रिएक्शंस भी दिखा रहे हैं कि उनके मन में एल्विश को लेकर क्या है, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तो तमाम तरह की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि तीसरे दिन भी जो एक इंतज़ार था एल्विश यादव को, एल्विश यादव के परिवार को, कि जो जमानत लगाई गई है उस पर सुनवाई हो जाएगी, वो सुनवाई फिलहाल अभी नहीं हो पाई है, और कितने दिन ये सुनवाई टलती रहेगी ये भी कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो पुलिस से नाराज वकील जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं अभी भी वो नाराजगी, वो अभी भी विरोध उनका चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं वकीलों की हड़ताल के ऊपर एल्विश यादव की जमानत पर सुनवाई अटक गई है। एल्विश से जुड़े इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।